अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरसे तफसीर कुरान मजीद में कुरान मजीद के नुज़ूल के हवाले से और कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व तिलावत कुरान के फ़वाइद के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज भी इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के फ़ज़ाइल और कुरान पाक की हिफाजत के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। गुज़िश्ता इतवार को नुज़ूले कुरान या यूँ कह लें कि कुरान करीम के तरतीब और जमा होने के हवाले से गुफ्तगू की गई थी, किन किन लोगों ने कुरान करीम को जमा किया और किस तरह से कुरान करीम को किताबी शक्ल दी गई और लोगों तक कुरान मुकद्दस को किस तरीके से पहुंचाया गया। फिर उसके बाद इराब लगाए गए और फिर साथ ही साथ कुरान करीम के हिस्सों को मुख्तस किया गया, कुरान करीम के रुकू तैयार किए गए, रुकू बनाए गए कुरान करीम में कि कहाँ कहाँ रुकू करना है, कहाँ कहाँ रुकना है। ये तमाम बातें मैंने गुज़िश्ता अर्ज की थी और आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की हिफाजत के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक कुरान मजीद का सवाल है, हम और आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नाजिल की जाने वाली सबसे आखिरी किताब है। यूँ कह लें कि इल्हामी किताबों में सबसे आखिरी किताब है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस आखिरी किताब को 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाया। और इस किताब की खूबी यह है कि यह दुनिया की एक ऐसी किताब है कि जिसको बंदा बार बार नहीं बल्कि लगातार पढ़ता ही रहता है और ऐसी बेहतरीन किताब है कि दुनिया की किसी दूसरी किताब को एक से दो या दो से तीन बार पढ़ ले तो चौथी बार पढ़ने का दिल न करे। मगर ये कुरान ऐसी किताब है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला अगर इसे मोहब्बत से पढ़ता रहे तो दिल ये चाहेगा कि ये किताब जिंदगी भर पढ़ी जाए। ये एक ऐसी बेहतरीन किताब है, ऐसी मुकद्दस किताब है। कुरान से पहले भी कई किताबें नाजिल हुई जिनका जिक्र मैंने नुज़ूल कुरान के मौके पर किया था कि तौरात, इंजील और ज़बूर, ये तीन मशहूर किताबें हैं जो कुरान करीम से पहले नाजिल हुई। और इससे पहले भी सहाइफ, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस में सुहूफी इब्राहिम व मूसा के नाम पर के तौर पर जिक्र फरमाया कि मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल किए गए, कुरान इन किताबों से पहले भी सहाइफ नाजिल किए गए थे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अंबिया को किताबचे के तौर पर छोटी छोटी किताबें दी थी ताकि वो अपनी कौम के सामने पेश करें और कौम इस बात को जान ले और समझ ले कि जिंदगी के उसूल क्या होते हैं, जिंदगी के तौर तरीके क्या होते हैं। मगर मौर्रिकीन और मुहक्किकीन का ये मानना है कि इससे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने जिस कौम को भी जो भी किताब अता फरमाई, मुख्तसर वक्त के लिए वो किताबें थी, क्योंकि नबी बदलते थे, नबी के बदलने के साथ कुछ अहकामात भी तब्दील होते थे,
अल्लाह की तरफ से कुछ फरामीन नए जारी किए जाते थे, लिहाजा तौरात, जबूर और इंजील ये तीन ऐसी किताबें हैं जो छोटी किताबें न थीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को एक कानून उनके हवाले किया था, एक दस्तूर उनके हवाले किया था, और जिंदगी गुजारने के तरीके और सलीके और इबादात के अहकामात, और इसी के साथ साथ बेशुमार बातें उन किताबों में जिसका ताल्लुक उनकी जिंदगी से था और जिंदगी को संवारने से था, जिंदगी की बेहतरी से था, ऐसे बेशुमार अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली किताबों में जारी फरमाए। मगर उस कौम की हालत यह थी कि चूंकि एक ही साथ किताब दे दी गई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जब किताब ली अपने नबी से तो कहा, कुरान कहता है कालू समेना व असैना, कि हमने इस किताब को ले लिया और हमने सुन लिया कि यह अल्लाह की किताब है, मगर हम इस किताब को कबूल नहीं करेंगे बल्कि अपनी मनचाही जिंदगी गुजारेंगे, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, जैसी हमारी तबीयत होगी हमारी जिंदगी उसी तरीके से गुजरेगी। और उन्होंने वैसे ही किया, यानी तौरात उनके पास में थी, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाजिल, और जाहिर सी बात है कि जब बंदा एक मर्तबा ये कह ले कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानता हूं और अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूं, और जब उसे इस बात का यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये किताब दी है, मेरी हिदायत के लिए ये किताब दी है, तो उस बंदे के लिए ये जरूरी था, ये लाजमी था कि वो बंदा मोहब्बत के साथ में, खुशी के साथ में अल्लाह तबारक व तआला के आकामात को कबूल कर लेता। मगर उन लोगों ने ऐसा न किया, बल्कि अपनी हठधर्मी और अपनी मनमानी का मुजाहरा करते हुए नबी की तरफ से जो किताब दी गई, अल्लाह की तरफ से जो किताब आई, उस किताब को उन्होंने झुटलाना शुरू कर दिया, उस किताब की आयतों का इनकार करना शुरू किया, उस किताब को न सिर्फ इनकार करना शुरू किया बल्कि उन किताबों में तब्दीली करना शुरू कर दिया। आज बाजार में तौरात और इंजील मिलती है, यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास में ये किताबें मौजूद हैं, मगर उलमा और मुहक्किकीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि उसमें से शायद ही कोई बात ऐसी हो कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हो, वरना हकीकत यह है कि पूरी तौरात, जबूर और इंजील को तब्दील कर लिया गया। कभी बादशाह ने अपनी मर्जी के मुवाफिक उसे तब्दील करवाया, कभी कौम के सरदार, कौम के रुआसा ने अपनी मर्जी और अपने मंशे के मुताबिक तब्दील करवा दिया, गर्ज के जैसे उनका मिजाज होता वैसे वो उन चीजों को तब्दील कर लिया करते। और हालत यह हुई कि पूरी किताब को, जिसमें अल्लाह का कलाम था, उस पूरे कलाम को मिटा दिया और अपनी मनमानी और मनचाही बातों को उन किताबों में डाल दिया। इसीलिए आप देखें, ईसाई ये बहुत बड़ी कौम है, यहूदी ये बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी कौम है, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में कई मकामात पर है, मगर इसके बावजूद इनके पास में जो किताब है उस किताब की कोई असल नहीं है। हम ये कह नहीं सकते कि इनके पास में जो किताब है उसमें कोई आयत ऐसी भी हो कि जिसका ताल्लुक, जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पेश किया गया हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर अब आप सोचेंगे कि वो किताबें भी खुदा की थी, फिर उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? तो यहां पर मैं भी ये चीज पढ़ते पढ़ते सोच रहा था, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, ये बात आई कि यकीनन ये किताबें अल्लाह की तरफ से थी, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को ये किताबें देकर आजमाना चाहता था कि मेरे ये बंदे मेरी इस किताब की हिफाजत किस तरीके से करते हैं, मेरी इस किताब को किस तरीके से कबूल करते हैं और किस तरीके से मेरी इस किताब की ये हिफाजत करते हैं। और जब रब्बे कदीर ने ये देख लिया कि मेरे ये बंदे
किताब की हिफाजत कर नहीं सकते। लिहाजा वो किताबें तो तब्दील हो चुकी थी, मगर जब कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया तो ऐलान फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब तुम्हें इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तुम पर यह काम नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि पिछली कौमों की तरह तुम भी अपनी मनमानी इसमें करने लगो और इसकी आयतों को तब्दील कर लो, इसके आकामात को तब्दील कर लो। इसीलिए कुरान के हवाले से, कुरान की हिफाजत के हवाले से जितना भी काम हुआ है, मुस्तफा के दौर में हुआ, फिर सहाबा के दौर में हुआ, फिर ताबईन के दौर में हुआ, इसके बाद कुरान के अहकामात और कुरान की हिफाजत सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मे रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वरना बेशुमार लोग ऐसे आज भी हैं। आपने सुना होगा अखबारात, आप हजरात पढ़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुरान की फुला आयत को बदल दो, कुरान के फुला हुक्म को बदल दो। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आयात और हुक्म को बदलना तो दूर की बात है कि कोई कुरान के एक लफ्ज को तब्दील नहीं कर सकता, कोई कुरान की एक आयत को इस पारे से निकाल के उस पारे में रख ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान को किताब से बदल सकते हो मगर कुरान जिनके सीनों में है उनके सीनों से कैसे तब्दील करोगे, कुरान जिनके सीनों में मौजूद है उनके सीनों से कैसे तब्दील करोगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले कौमों की हालात को देखकर इस कौम के बारे में रब्बे कदीर ने यह ऐलान फरमा दिया कि कुरान हम ही ने नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज की हिफाजत फरमाए तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली, किसी किस्म का तहरीफ करना, किसी किस्म का बदल देना, यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि कुरान को तब्दील करने की सोचने वाला तब्दील हो सकता है, कुरान तब्दील नहीं हो सकता, कुरान तब्दील नहीं हो सकता। एक ईसाई जो मुसलमान हो चुका था, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे ईमान लाने की वजह क्या है, तुम मुसलमान कैसे हुए, वजह क्या बनी? तो उस ईसाई ने कहा कि मेरे ईमान लाने की वजह यह है कि मैंने तौरात पढ़ी, इंजील पढ़ी, दीगर दा जबूर पढ़ी, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, मगर इन सारी किताबों में मैंने यह महसूस किया कि यह सारी किताबें तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें इंसान की अपनी मर्जी दाखिल हो चुकी है। मगर जब मैंने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम के वाकयात पढ़े, कुरान करीम के कमाल को देखा, कुरान करीम के मौजिज़े को देखा, मैंने ये महसूस किया कि पिछली तमाम आसमानी किताबें बदल गई मगर कुरान करीम में ऐसी कुव्वत है कि कोई इसे बदल नहीं सकता, इसे बदलने की सोचने वाला खुद तब्दील हो जाता है। लिहाजा मैं कुरान को गौर फिक्र से पढ़ता रहा और एक वक्त यह आया कि मेरे दिल ने कहा कि कब तक तू कुरान को पढ़ता रहेगा, तू भी दाखिले इस्लाम हो जा और तू भी मुसलमान हो जा। जब मैंने अपने दिल से यह आवाज सुनी तो मैंने कुरान को हक मानकर अपनी जात के लिए इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान का एजाज है कि कुरान करीम कभी तब्दील नहीं होता, बल्कि कुरान को बदलने वाले बदल जाते हैं, और अगर बदलते नहीं हैं ऐसी सोच रखने वाले तबाह बर्बाद हो जाते हैं, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। कुरान तब्दील नहीं किया जा सकता, कुरान में कमी नहीं की जा सकती, कुरान के पारों में, कुरान की आयतों में कमी नहीं की जा सकती, कुरान के सूरों में कमी नहीं की जा सकती, कुरान में जितने रुकू हैं उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती, बल्कि यह सब कुछ एक तरतीब दिया गया है, किताबी शक्ल दे दी गई है। अब जैसा कुरान हमारे पास में है वैसे ही कुरान को पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना
और इस पर इस बात पर यकीन करना कि कुरान में जो कुछ है सब अल्लाह की तरफ से है, इस बात पर यकीन करना, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। और अगर इस पर यकीन न रहा, इसमें अपनी जात और अपनी कोशिशों के मुताबिक अगर कोई अपने हालात और अपनी तहकीक बनाने की कोशिश करे, अपनी तरफ से कुछ तहकीक करने की कोशिश करे, तो याद रखना वो तबाही की राह और बर्बादी की राह चलता है। ऐसे के पीछे चलने वाले भी तबाही और बर्बादी का रास्ता चला करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान करीम जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है, ऐलान फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि बेशक हम ही ने इस जिक्र को यानी कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। हर तरह से कुरान की हिफाजत होती है, बल्कि कुरान का मामला तो यह है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है और कुरान अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है और कुरान अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। और इंशाअल्लाह आगे जब कुरान करीम के फजाइल और फवायद आएंगे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कुरान अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। मगर इस बात को जहन में बिठा ले कि अल्लाह तबारक व ताला इस कलाम मुकद्दस के पढ़ने वालों को कभी तन्हा नहीं रखता, बल्कि वो जमीन के ऊपर रहे या जमीन के अंदर रहे, अल्लाह की रहमतें उस बंदे के साथ होती है, अल्लाह का फजल उस बंदे के साथ होता है, अल्लाह की नेमतें उस बंदे के साथ होती हैं। बल्कि मेरा मानना यह है कि कुरान पढ़ने वाला जिस गली से कुरान पढ़ता चला जाए, उस गली पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कुरान पढ़ने वाला जिस मोहल्ले से कुरान पढ़ता चला जाए, उस मोहल्ले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो ना कुरान पढ़ने वाला कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है और कुरान अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। और यकीनन इसीलिए अहादीस पाक का जब हम मुताला करते हैं तो हमें यह पढ़ने में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने की तालीम दी और बहुत ज्यादा इसको याद करने की तालीम दी, और यहां तक के इरशाद फरमाया कि वो सीना वीरान घर के मानिंद है जिस सीने में कुरान का कोई हिस्सा मौजूद ना हो, जिस सीने में कुरान का कोई हिस्सा मौजूद ना हो वो सीना वीरान घर के मानिंद है। वीरान क्या चीज होती है? हम कहेंगे वीरान खंडेर, कोई मकाम होता है जहां पर इंसान आबाद नहीं होता। इसी को हम यूं कह ले कब्रिस्तान है जहां पर जाहिरी तौर पर जमीन पर कोई आबादी नहीं होती, कब्रिस्तान को हम वीरान घर कहते हैं। कब्रिस्तान को, कब्रों को हम वीरान घर कहते हैं। कब्रिस्तान को हम शहर खमोशा कहते हैं कि वहां किसी किस्म की हलचल नहीं होती। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से वो सीना वीरान है जिस सीने में कुरान न हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। और हम देखते हैं सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जिंदगी को कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ये कोशिशें थी कि उनके सीने में वो पूरा कलामुल्लाह उतर जाए जो अल्लाह की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का कमाल ये है कि कुरान जब बंदा याद करता है तो अल्लाह तबारक मुताला उसके सीने को कुरान के लिए खोल देता है और उसके सीने को कुरान में महफूज, उसके सीने में कुरान करीम को महफूज फरमा लेता है। और जो बंदा कुरान को याद करना नहीं चाहता तो ऐसे बंदे की कैफियत ये होती है, वो याद करना तो दूर की बात है कि कई कई साल तक कुरान के देखने से भी महरूम कर दिया जाता है, कई कई साल तक कुरान के देखने से महरूम कर दिया जाता है। जो कुरान से लगाव नहीं रखता, जो कुरान से, जो अल्लाह के कलाम से मोहब्बत नहीं रखता। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का एजाज ये है कि जब से नाजिल हुआ है उस दौर से लेकर आज तक दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां इंसान बसते हो और कुरान मौजूद ना हो, जहां इंसान रहते हो और कुरान मौजूद ना हो। दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि कहीं मुसलमान मौजूद हो
और कुरान मौजूद ना हो, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ये मानना पड़ेगा कि जहां जहां दुनिया में मुसलमान मौजूद है वहां वहां कुरान मौजूद है, जहां जहां मुसलमान मौजूद है वहां वहां कुरान मौजूद है। आप देख ले, कई ईसाइयों के घर ऐसे होंगे कि जिनके घर में इंजील ना होगी, कई यहूदी ऐसे होंगे जिनके घर में तौरात ना होगी, कई दाऊदी ऐसे होंगे कि जिनके घर में जबूर ना होगी, मगर खुदा की कसम मुसलमान कितना भी बड़ा शराबी हो, कितना भी बड़ा जानी हो, कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसके घर में कुरान जरूर मौजूद रहेगा, उसके घर में कुरान जरूर मौजूद रहेगा। यह अल्लाह के कलाम का एजाज है कि मुसलमान चाहे कितने भी बातिल अकीदे का और फासिद अकीदे का क्यों ना हो, मगर उसके घर में अल्लाह का कलाम मौजूद होगा, अल्लाह का यह मुकद्दस कलाम मौजूद होगा। न सिर्फ मौजूद होगा बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे मुसलमान आबादी हो या कहीं पर भी मुसलमान बसते हो, मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा ना होगा कि जिसमें एक हाफिज कुरान मौजूद ना हो, कोई मोहल्ला ऐसा ना होगा कि जिसमें एक हाफिज कुरान मौजूद ना हो। तौरात भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, जबूर भी आसमानी किताब है। दुनिया में सैकड़ों मजाहिब हैं, हजारों किस्म के अकीदे के लोग रहते हैं, हर एक के पास में किताबें मौजूद हैं, मगर कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि हमारी किताब हमें पूरी याद है। कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि हमारी किताब हमें पूरी याद है, मगर मुसलमान बड़े ही फख्र के साथ ये कह सकता है कि हमारे घर में, हमारे मुसलमानों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे मिलेंगे जिन्हें पूरी कुरान याद है, जिन्हें अल्लाह का पूरा कलाम याद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और ये याद करना, मैंने इससे पहले भी कहा था कि कुरान का याद करना कमाल नहीं है, कुरान का याद हो जाना कमाल है। याद करना कमाल नहीं है, कोई ये समझे मैंने कुरान को याद कर लिया कमाल है, अगर कोई ऐसा सोचेगा तो मुमकिन है कि उसके सीने से कुरान निकल जाए, मुमकिन है उसके सीने से कुरान निकल जाए। कुरान का याद करना कमाल नहीं है, कुरान का याद हो जाना कमाल है। इससे पहले भी मैंने एक वाकया पेश किया था, एक बात मैंने बताई थी इसी कुरान के अहकामात के हवाले से। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया और आकर कहने लगा कि सुनो, तुम्हें तुम्हारा जो कुरान है, काफिर था, मुशरिक था, उसने कहा कि तुम्हारा जो कुरान है वो मुझे उसमें से कई पारे मुझे याद हैं, बताओ हमारी किताब में से तुम्हें कितना याद है। तो उस अल्लाह के बरगुजीदा बंदे ने फरमाया कि ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो कुरान का कमाल है जो अपनों के नहीं बल्कि गैरों के सीनों में भी महफूज हो जाता है। ये कुरान का कमाल है कि गैरों के सीनों में भी महफूज हो जाता है। तो गोया कुरान की हक्कानियत का एक सबूत यह भी है कि कुरान करीम मुसलमानों के सीनों में महफूज है, और अल्लाह तबारक मुताला ने इस किताब को अपने बंदों के सीनों में महफूज रखा है, और इसकी हिफाजत के रब्बे कदीर ने मुख्तलिफ इंतजामात फरमाए हैं। और उसका सबसे बड़ा इंतजाम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से गांव में भी अगर कोई चला जाए और कुरान करीम को गलत पढ़ दे तो गांव का कोई ना कोई बच्चा खड़े होकर कहेगा मौलवी साहब आपने कुरान को गलत पढ़ा है। क्यों? इसलिए कि कुरान सिर्फ शहर वाले याद नहीं करते, देहात वाले भी याद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की जबानें बोली जाती हैं, मगर आप कहीं पर भी चले जाएं, आपने कहीं अगर बाहर का सफर किया होगा, सऊदी तो खैर अरबी मुल्क है, इससे हटकर आप अगर लंदन गए होंगे, आप यूरोप के किसी कंट्री का सफर किया होगा, अमेरिका कनाडा गए होंगे, या आपके कोई भाई कोई रिश्तेदार हो तो आप वहां पर उनसे पूछ लो कि तुम्हारे पास कुरान है, वो अगर कहे है तो आप उनसे पूछो कौन सी जबान में, तो वो कहेगा अरबी जबान में है। आप सवाल करो वहां तो अंग्रेजी चलती है, फिर अरबी कैसे पढ़ी जाती है, तो वो सामने वाला कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह यहां सिर्फ अंग्रेजी बोली नहीं जाती बल्कि अरबी बोलने वाले भी यहां पर मौजूद हैं।
पता ये चल रहा है कि कुरान दूसरी किताबें किसी मुल्क से आती हैं तो ट्रांसलेट कर दी जाती हैं, जबान तब्दील हो जाती है। अंग्रेजी किताबें कहीं से आए अगर इंडिया में आ जाएं तो इंडिया में कुछ किताबें अंग्रेजी नुस्खे बाकी रहेंगे, मगर ज्यादातर उस अंग्रेजी को हिंदी में तब्दील, उर्दू में तब्दील, यहां की इलाकाई जबान में तब्दील कर दिया जाएगा। पता ये चला कि जब कहीं से किताब आती है, मकाम बदलता है, तो किताब की शक्ल और किताब की जबान बदल जाती है। मगर खुदा की कसम, कुरान चाहे सऊदी अरब में रहे, हिंदुस्तान में रहे या यूरोप की किसी कंट्री में रहे, कुरान जहां भी गया है अरबी इबारत के साथ गया है, और जिस जिस के सीने में उतरा है अरबी इबारत के एतबार ही से उतरा है, अरबी इबारत के एतबार से उतरा है। इलाका बदल गया, जबान नहीं बदली, मिजाज नहीं बदला, फिक्र नहीं बदली, इबारत नहीं बदली, बल्कि जैसी इबारत हिंदुस्तान में है वैसी ही इबारत अमेरिका और कनाडा के पास रहने वाली कुरान में है, वहां के लोगों के पास में रहने वाली कुरान में वही इबारत है जो आज हमारे पास में मौजूद है। पता ये चला, ये कुरान का कमाल है कि कुरान जहां पहुंचा है अपनी असली हालत ही में पहुंचा है। कुरान जहां भी पहुंचा अपनी असली हालत में पहुंचा है, और जिसने उसको कबूल कर लिया कुरान ने उसे अपने रंग में ढाल दिया है। जिसने उसे कबूल कर लिया कुरान ने उसे अपने रंग में ढाल दिया है। आप देखें कि अमेरिका में जहां अंग्रेज रहते हैं और वहां जाकर कुछ लोग उनकी हरकत और उनकी शख्सियतों को देखकर अपनी कैफियतें तब्दील कर लेते हैं, मगर वहीं का रहने वाला, वहीं का मुसलमान, वहीं का रहने वाला, वहीं पैदा होने वाला, कुफ्र की हालत में रहने वाला, जब अपना नाम तब्दील करके जब कुरान की तिलावत करता है तो खुदा की कसम कुरान का रंग उस पर चढ़ना शुरू हो जाता है। अब कैफियत यह होती है, पैंट शर्ट और कोट पैंट पहनने वाला इस्लामी लिबास में आ जाता है, चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, सर पर इमामा आ जाता है, चेहरा नूरानी बन जाता है, दिल तब्दील हो गया, फितरत तब्दील हो गई, आदत तब्दील हो गई, बोलने का अंदाज तब्दील हो गया, सोचने का अंदाज तब्दील हो गया, तिजारत का अंदाज तब्दील हो गया, खाने पीने का अंदाज तब्दील हो गया। यह सब कुछ कैसे हुआ तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, यह कुरान है कि जिसकी तिलावत करने वाले पर कुरान ने अपना रंग चढ़ा दिया। इसके पढ़ने से पहले बेदीन था और जब इसे पढ़ चुका तो आला दीनदारी में आला कमाल हासिल कर लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान है जो सोच और फिक्र को बदलता है, अंदाज जिंदगी को बदलता है, अंदाज गुफ्तगू को तब्दील करता है, तमाम इंसान की हरकतों को तब्दील कर देता है। और इस्लाम के खिलाफ जितनी हरकत है उन तमाम चीजों को तब्दील करके एक मुसलमान को मुसलमान बना देता है। यह कुरान का कमाल है, मगर आज हम इससे महरूम हो चुके हैं, इससे हम महरूम हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि आज हमारे पास में कुरान को खोलकर पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, समझने के लिए वक्त नहीं है, इसकी महफिलें सजाने के लिए वक्त नहीं है, कुरान की तिलावत के लिए महफिल सजाने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है। आज हम बेजा और बेहयाई के काम तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, मगर हमारी कैफियत यह है कि हम वो काम नहीं करते जिससे हमारे ईमान की मजबूती हो, जिससे हमारे अकीदे की सलामती हो, जिससे हमारे अफकार की तब्दीली हो, जिससे हमारे मिजाज में इनकलाब पैदा हो, जिसमें हमारी जिंदगियों में एक शऊर पैदा हो। ये तमाम चीजें आज हमारे पास में न रही। इसकी असल वजह यह है कि वो जमाने में मुअज्जज़ मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी कुरान नहीं बदला, कुरान का फैज नहीं बदला, कुरान का हुक्म नहीं बदला, हम बदल चुके हैं। और वापस हम अपने आप को अपने असलाफ की राह पर चला ले तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है कि ये कुरानी इंकलाब हमारी जिंदगियों में आ जाएगा, और एक ऐसा इंकलाब आएगा
कि जिसके बाद हमें किसी के दर पर भीख मांगने की जरूरत न पड़ेगी, बल्कि हमारी कैफियत ये होगी कि कुरान हमारा ताउन करने वाला, हमारा मुआविन भी साबित होगा और हमारा मददगार भी साबित होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर जरूरत इस अम्र की है कि हम अपने आप को तब्दील करें। इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने का ख्याल न करती हो, जो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहती, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता। आज हमारी कैफियत यही है कि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, तब्दील करना ही नहीं चाहते। हम तो बस मुआशरे की गंदगियों को हमने अपना लिया है और वही लिबास पहनकर हम सर से पैर तक गंदे हो चुके हैं। वही फितरतें, आदतें, वही बुराइयां, वही गलतियां, वही बेहयाइयां, वो तमाम चीजें हमने अपने अंदर पैदा कर ली हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हम सब कुछ रखकर भी तबाह हैं। आप मुझे बताएं कि यही तो कुरान है जो हमारे पास में, यही सहाबा के पास था, यही कुरान अइम्मा के पास था, यही कुरान औलिया के पास था। जब वो पढ़ते थे तो उनकी कैफियत ये होती थी कि उनका, उनके पढ़ने में अल्लाह तबारक व तआला इंकलाब पैदा कर देता, अशिया की हयातें तब्दील कर देता, जो चीज उनके सामने होती उसकी हयात को तब्दील कर देता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर आज हमारी कैफियत यह है कि हम बिल्कुल इसके उल्टा हो चुके। आपको पता होना चाहिए, शायद मैंने ये किसी बुजुर्ग से वाकया सुना है कि कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ते थे तो अशिया की, चीजों की हयातों को, असलियत को बदल देते थे। एक शख्स, मैंने एक बुजुर्ग से सुना है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, आकर अर्ज करने लगा मेरी बेटी की शादी है, आप कुछ दे दें। आपने कहा ठीक है, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा वक्त रुक जाओ। वो रुक गया, एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, कई दिन गुजर गए। आकर कहने लगा हजरत मेरी बेटी की शादी करीब आ चुकी है, आप कुछ दे दें। आपने फरमाया, देखा उसकी बेचैनी को देखा, फरमाया जाओ मिट्टी का ढेला लेकर आओ। वो शख्स गया, बड़े गुस्से में था, कहने लगा कि सोचने लगा कि मेरी बेटी की शादी यहां पर सर पर है और ये मिट्टी का ढेला मंगा रहे। लिहाजा गया जाकर मिट्टी का छोटा सा ढेला लेकर आया, लाकर हजरत को दिया। तो हजरत ने उसके सामने सूरह फातिहा पढ़ी, पढ़कर फूंक दिया, वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। मैं बताना चाहता हूं कि कुरान से, कुरान से अगर सही लगाव हो और इसको पढ़कर किसी पर फूंक दिया जाए तो अशिया की हयातें तब्दील हो जाए, अशिया की जिंस तब्दील हो जाए। मिट्टी पर सूरह फातिहा पड़ी और छोटा सा ढेला लाया था, आपने फूका, सोना बन गई। दिल में सोचने लगा ये मैंने क्या गलती कर दी। इंसान है ना, बहुत ज्यादा हरीस होता है, लालची होता है। वो सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या गलती कर दी। अगर मुझे मालूम होता कि ये मिट्टी का सोना बनाने वाले हैं तो मैं बहुत ज्यादा मिट्टी का ढेर लेकर आ जाता। खैर, अब सोचने लगा कि अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने जो पढ़ा है वो मैंने सुन लिया। अपने घर गया, जाकर वो मिट्टी का ढेला जो सोना बन गया था अपनी घरवाली को दिया, कहा जरा घर खाली करो। घर खाली किया, मिट्टी का अंबार लगा दिया घर के अंदर, मिट्टी का अंबार लगा दिया घर में। अब सूरह फातिहा पढ़ रहा है, एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, दस बार पढ़ी, सौ बार पढ़ी, पढ़ता जाता था, फूकता जाता था, मिट्टी मिट्टी ही थी, मिट्टी मिट्टी ही थी। वापस आया, आकर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के किसी खादिम से पूछा कि हजरत से मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ मांगा था, उन्होंने मिट्टी पर सूरह फातिहा पढ़ी, वो सोना बन गई। मैं अपने घर गया, पूरे घर में मिट्टी का ढेर लगा दिया और कई मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ ली, कुछ ना हुआ। तो कहने लगे कि सुनो, कुरान वही है मगर निजामुद्दीन की जबान नहीं है।
कुरान तो वही है, हजरत निजामुद्दीन की जबान नहीं है। पता यह चल रहा है कि कुरान को अपने मतलब के लिए पढ़ने वाला उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। कुरान को अगर खुदा की मोहब्बत में कोई पढ़ेगा और पढ़कर किसी पर दम करेगा तो खुदा की कसम अशिया की हयात तब्दील हो जाएगी, जिंस तब्दील हो जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान वही है जो हमारे असलाफ पढ़ा करते थे, मगर आज हमने उनका कुरान पढ़ना किसी और चीज के लिए था। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत आप अकेले घर में रहते हैं, आप अकेले गार में रहते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते, आखिर वजह क्या है? आपका दिल नहीं करता कि आप मखलूक से मुलाकात करें, आप अकेले रहते? उन्होंने कहा मैं अकेला रहता ही किधर हूं। लोगों ने गार में देखा, पूछा कोई तो यहां पर नहीं है? कहा सुनो मेरा खुदा मेरे साथ होता है। पूछा वो कैसे? तो फरमाने लगे कि जब मेरा दिल करता है कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल ये करता है खुदा मुझसे कुछ कहे तो मैं कुरान पढ़ लेता हूं। जब खुदा मुझसे कुछ कहे, मेरा दिल ये चाहे, तो मैं कुरान पढ़ लेता हूं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं उनकी मोहब्बत कुछ और थी कुरान के हवाले से। आज हमारी क्या है कि हमारे घर में मैयत हो गई तो कुरान पढ़ेंगे तभी बख्शा जाएगा, नहीं तो नहीं बख्शा जाएगा, तब कुरान याद आता है। हमारे घर में किसी की जियारत हो, कुरान पढ़कर रिसाले सवाब करेंगे तभी हमें कुरान याद आता है। चैलूम हो, बरसी हो, तभी कुरान याद आता है। उसके बाद पूरा साल कुरान अच्छे कपड़े में लिपेट कर हम बहुत ऊंची जगह रख देते हैं। इतनी ऊंची जगह कि कभी हमारी नजर भी उस पर ना पड़े, और कभी हमें निकालना भी हो तो सीढ़ी लगाकर हम उसे निकालें, इतनी ऊंची जगह रख देते हैं। गोया बताना चाहते कुरान बहुत ऊंचा कलाम है, इसीलिए हमने ऊंची जगह रख दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम ये कुरान के साथ में मजाक कर रहे हैं, पता है आपको? हम मजाक कर रहे हैं कुरान के साथ, हम कुरान के साथ में दिल लगी कर रहे हैं, हम कुरान के साथ में तमस्कुर कर रहे हैं। अगर यही हालत हमारी रही तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद हमारे घरों से कुरान को निकाल दे, रद्दी में डाल दे और सोचने लगे न जाने ये कौन सी किताब थी, अब्बा ऊपर रखते थे, लिहाजा रद्दी में डाल दे और वहीं कोने में, कहीं कोने में डाल दे, और उसकी तरफ उसकी तवज्जो भी ना जाए, ना उसकी तरफ उसका कोई रुख हो सके। आज हमारी कैफियत ही हो चुकी है, वरना हमारे असलाफ इकराम की हालत ये थी कि उनके घर का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ता था। इंशाअल्लाह जब फजाइल कुरान पर हम गुफ्तगू करेंगे तो इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया और उसके लिए रब्बे कदीर ने अपने बंदों का इंतखाब किया, और बंदों में वो बंदे जिनका सीना इसकी हिफाजत कर सकता है, जिसका सीना इसको अपने अंदर जगह दे सकता है, इसके साथ में अच्छा बर्ताव कर सकता है, ऐसे के सीनों को अल्लाह ने मुंतखब किया। अब इसके बावजूद अगर बंदा शरारतें करता रहे, बुराइयां करता रहे, बेहयाइयां करता रहे, तो याद रखना ये कुरान आता बड़ी मुश्किल से है मगर आसानी से निकल जाता है। कुरान बड़ी मुश्किल से आता है मगर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आज कितने ऐसे हैं कि जिनको हम हाफिज कुरान कहते हैं मगर उन्हें कुरान याद ही नहीं है, क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान के साथ में सही बर्ताव नहीं किया, कुरान के तहफ्फुज का जिम्मा ना लिया, कुरान की हिफाजत की खातिर अपनी जिंदगी ना गुजारी, बल्कि मुतकब्बिर रहे, घमंडी रहे, बेहयाई में रहे और अपने आप को दुनियादारी में मसरूफ कर लिया और ये समझने लगे कि अब हम कुरान हाफिज कुरान हो चुके हैं। तो याद रखना ऐसों के सीनों में कुरान ज्यादा दिन तक नहीं रहता जो सीना, जो जिस्म घमंडी और तकब्बुर रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर को पसंद नहीं करता और न तकब्बुर करने वाले को पसंद करता है। जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे गिरा देता है, लिहाजा
ऐसे के सीने में कुरान रह ही नहीं सकता जो मुतकब्बिर रहे, क्योंकि मुतकब्बिरीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने वाज़े कर दिया कि मुतकब्बिरीन को अल्लाह जलील कर देता है। और खुदा की कसम जिसके सीने में कुरान हो वो जलील नहीं हो सकता, वो रुस्वा नहीं हो सकता, वो बेइज्जत नहीं हो सकता। और जिसके सीने में कुरान नहीं होता, भले ही वो कितना बड़ा हाफिज कुरान कहलवा ले, मगर सीने में कुरान नहीं होता, अल्लाह ताला उसके तकब्बुर की बुनियाद पर ऐसे बंदे को जलील फरमा देता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये कुरान है कि किसी मुल्क में भी गया, कुरान ही की अरबी जबान ही में गया, और जिस मुल्क वाले ने भी पढ़ा अरबी जबान ही में पढ़ा। इसके तर्जुमे मुख्तलिफ जबानों में होते हैं, मगर इसकी जो इबारत है वो किसी और जबान में होती ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि कुरान के जो अल्फाज हैं वो कुरान के अल्फाज दुनिया की किसी जबान में तब्दील हो ही नहीं सकते। ये कुरान का कमाल है। इंग्लिश के अल्फाज किसी भी जबान में तब्दील हो सकते हैं, हिंदी के अल्फाज किसी भी जबान में तब्दील हो सकते हैं, तेलुगु के अल्फाज किसी भी जबान में तब्दील हो सकते हैं, मगर कुरान के अल्फाज का कमाल यह है कि कुरान के अल्फाज खुदा की कसम किसी जबान में तब्दील हो ही नहीं सकते। अब जैसे मिसाल दो, कुरान में लफ्ज आइन है, आइन अगर आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आइन आएगा, आइन नहीं आएगा। इसी तरह से कई ऐसे अल्फाज हैं कुरान करीम में, जैसे दौद है, अगर इसी को इंग्लिश में तब्दील करेंगे तो दौद नहीं आएगा, बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि यह कुरान का कमाल है कि दुनिया की सारी जबानों के अल्फाज दूसरी जबानों में तब्दील हो सकते हैं, मगर कुरान का कोई लफ्ज किसी और जबान में तब्दील हो ही नहीं सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान कमाल वाली किताब है। इसका हर हर्फ कमाल वाला है, इसका हर लफ्ज कमाल वाला है, इसकी तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये कमाल वाली हैं। लिहाजा कुरान का कमाल यह है कि कुरान किसी दूसरी जबान में नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि किसी दूसरी जबान में ऐसे अल्फाज नहीं है जो कुरान के अल्फाज की अदायगी को पूरा कर सके, जो कुरान के अल्फाज की अदायगी को पूरा कर सके। इसीलिए हमसे भी कई लोगों ने पूछा कि हम इंग्लिश में कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इंग्लिश में कुरान पढ़ा ही नहीं जा सकता। अब जैसे मिसाल के तौर पर, अब अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तो तक तो हम इंग्लिश में लिख ले सकते हैं, मगर आलमीन आलमीन जब लिखना हो तो इंग्लिश में आइन का मखरज अदा करने का कोई वर्ड ही नहीं है, तो वहां लिखना पड़ेगा माजल्ला आलमीन, डबल ए एल ए एम डबल ई एन। अब अगर हम अल्लाह ना करे कोई अगर कुरान को इस तरीके से पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका माना और मफहूम यह तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमों का रब है, आलमीन आइन का मखरज निकालने के बाद सारे आलमों का रब है। अब अगर कोई अरबी नहीं आती और इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो वो क्या पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसका माना क्या हुआ, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो माज़ अल्लाह तकलीफ देने वाला रब है। आलम का तर्जुमा होता है तकलीफ देना, और आलम का तर्जुमा होता है कायनात। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर आलमीन को आलमीन पढ़ दिया इंग्लिश में कुरान पढ़ने की वजह से तो कितना बड़ा कुफ्र उसने कर दिया। इसीलिए मुसलमानों जब भी कुरान पढ़ो तो कुरान को मखरज के साथ पढ़ो, उसकी अदायगी कैसी होनी चाहिए उस अंदाज से कुरान को पढ़ो ताकि अनजाने में भी कोई गलती हमसे कुरान की तिलावत में ना होने पाए। तो आप अंदाजा कीजिए कि कुरान की अरबी जबान में कुछ ऐसे हुरूफ हैं
कि जो दुनिया की किसी जबान में ऐसे हुरूफ अदा हो ही नहीं सकते। इसीलिए कुरान को जहां भी रखा गया अरबी ही में रखा गया। अब अगर कोई नादान, बेशुमार है ऐसे डेढ़ होशियार जिन्हें कहते हैं, कोई नादान अगर कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में तब्दील करके लोगों के सामने पेश करता है तो वो भी गुनाहगार है, उसके पढ़ने वाले भी गुनाहगार हैं, क्योंकि वो अल्फाज अदा ही नहीं हो सकते कि जिन अल्फाज के अदा करने से ईमान बचता है और जिन अल्फाज के अदा करने से ईमान खत्म हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जहन में रख लें कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ और आज तक, उस दौर से लेकर आज तक कुरान अरबी ही में पढ़ा जाता है और कयामत तक अरबी ही में पढ़ा जाता रहेगा। ये कुरान करीम का कमाल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कमाल ये है कि जमाने किसी दौर में कहीं पर भी चला जाए, किसी मुल्क किसी सरजमीन पर चला जाए, कुरान की जबान तब्दील नहीं होती। आप देखें यहां पर भी कई ऐसे स्कूल हैं, ग्रामर स्कूल हैं, सेंट्स स्कूल हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जो ईसाई मिशनरी पर काम कर रहे हैं, उनके पास में आप इंजील लेने जाएं तो इंजील नाजिल हुई थी उरियानी जबान या सिरियानी जबान में, ये दो जबानों में इंजील नाजिल हुई थी। और फिर हम यहां पर जब जाते हैं और जाकर इंजील देखते हैं तो पता चला कि यहां इंजील इंग्लिश में है, इलाका बदला, जबान बदल गई, मगर कुरान का मौजिजा, इसको जहन में रख ले कि कुरान का मौजिजा यह है कि इलाका, कोई इलाका बदल जाए, कुरान की इबारत नहीं बदलती, कुरान की असलियत नहीं बदलती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन ले, मुफस्सिरीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जिस दौर में कुरान लिखा गया और कुरान के लिखाने वाले मुस्तफा थे, कुरान के लिखाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, मैंने पिछले वक्त भी कहा था कि कुरान को तरतीब देने वाले मुस्तफा और कुरान को किताबी शक्ल देने वाले हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, कुरान को किताबी शक्ल देने वाले, तरतीब देने वाले हुजूर। मगर जब आप तरतीब देते थे और जब आप लिखाते थे, हजरत जैद इब्ने साबित रजी अल्लाह अन्हु को जब आप कुरान लिखाते थे तो कुरान भी हुजूर ने पूरा अरबी ही में लिखाया है, अरबी ही में लिखाया है। जैसे आप देखें कि जब हम उर्दू में मीम लिखते हैं तो हम मीम ऐसे लिखते हैं, मगर कुरान में जब अरबी में मीम लिखा जाता है तो वो मीम इस तरीके का होता है, नीचे लकीर होती है। तो आज तक कुरान का ये कमाल है कि जिस तरीके से हुजूर ने लिखाया और जिस तरीके से सहाबा ने लिखा, आज तक कुरान उसी तरह का प्रिंट किया जा रहा है, उसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है, यह मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। जैसे जैसे हुजूर ने चाहे मीम को गोल करके लिखाया हो या मीम को लंबा करके लिखाया हो, जिस तरीके से लाम अलिफ जैसे लिखाया हो, जिस तरीके से हुजूर ने लिखाया, आज तक कुरान उसी हिसाब से प्रिंट होता है, उसी में उसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का सबसे बड़ा मिजाज और कुरान करीम के जरिए सबसे बड़ा इनकलाब यह है कि कुरान करीम हर दौर के लिए चैलेंज बना हुआ है, हर दौर के लिए कुरान चैलेंज है। आप देखें जमाने बदलते हैं तो जमाने की वजह से हालात बदलते हैं, दस्तूर बदलते हैं, लॉज बदलते हैं, रूल्स बदलते हैं, बहुत सारी चीजें तब्दील होती हैं, मगर यह कुरान करीम का एजाज है कि 1400 साल पहले जो हुक्म था आज भी यही हुक्म है और कयामत तक ये हुक्म रहेगा। जमाने बदलते रहेंगे मगर कुरान करीम के अहकामात वही रहेंगे, कुरान करीम के अहकामात तब्दील ना होंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक के लिए आने वालों के लिए रहबरी और हिदायत के लिए नाजिल किया है। और सुन लो कि कुरान में वो सब कुछ है जो हो रहा है, वो सब कुछ था जो हो गया, और वो सब कुछ है जो होने वाला है, यानी जो चीज कुरान में है वही चीजें हो रही हैं, इससे हटकर कुछ नहीं हो रहा। कोई ये ना समझे
कि आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई तो दुनिया की तरक्कियों का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। कोई अगर ये सोचता है कि जमाना बदलता जा रहा है तो जमाने का बदलने का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। कोई अगर ये कहे कि शराब, जिना और जुआ वगैरह सब आम हो रहा है तो इसका भी जिक्र कुरान में मौजूद है। ये तमाम चीजें कुरान में मौजूद हैं। इसी वजह से दुनिया का निजाम तो बदल सकता है, कुरान का हुक्म बदल नहीं सकता, क्योंकि कुरान का हुक्म जो है इंसान वही करता नजर आ रहा है। कुरान में जो कुछ है, चाहे वो अहकामात हो या ममनुआत हो, अम्र हो या नहीं हो, जो कुछ है इंसान वही करता नजर आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बदलने से, वक्त के बदलने से, हालात के बदलने से लॉस और रूल्स बदलते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का ये कमाल है कि जमाने कई तब्दील हो गए मगर आज तक कुरान जैसे का वैसा बाकी है और इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से कुरान करीम के बारे में मैं फिर से कह दूं कि कुरान करीम जितना नाजिल हुआ था आज तक उतना मौजूद है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम से कुछ पारे निकाल लिए गए, कुछ सूरे निकाल लिए गए, कुछ आयतें निकाल ली गई हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये निकाल लिया जाता तो सबसे पहले सहाबा इससे इख्तलाफ करते, अहले बैत इससे इख्तलाफ करते, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले इस मामले में इख्तलाफ करते, मगर सबका इत्तेफाक इस बात पर है कि कुरान में जितने सूरे थे वही हैं, कुरान में जितने पारे थे वही हैं, कुरान जैसा नाजिल हुआ वैसा ही है। अब अगर इसके बावजूद किसी और को कोई मिजाज, कोई ख्याल आता हो तो यह उसकी अपनी मर्जी है, वरना हकीकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान 30 पारों का कलाम है, जितने रुकू इसमें मौजूद हैं वही कुरान है, इससे हटकर कोई और कुरान नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, अब अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के कलाम में लोगों ने तब्दीलियां कर दी हैं या लोगों ने कमी कर दी है, तो ये मामला लोगों पर नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट खुदा पर जाएगा, क्योंकि खुदा ने ऐलान फरमाया है हमने कुरान को नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करे तो कोई उसमें से चोरी कर सकता है, कोई उसमें से कुछ निकाल सकता है, कोई उसमें से कुछ कमी कर सकता है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस किस्म की बात वो लोग करेंगे जिन्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना हो, जिन्हें अल्लाह की ताकत पर यकीन ना हो, जिन्हें अल्लाह की हिफाजत पर यकीन ना हो। सुन लो लोगों, कुरान में सिर्फ 30 पारे हैं और यही 30 पारे मुस्तफा के दौर से तरतीब दिए गए हैं, और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के बाद से लेकर आज तक और कयामत तक यही 30 पारे कुरान करीम के रहेंगे। कोई अगर कहता रहे तो ये उसकी अपनी मर्जी, ये उसका अपना मिजाज है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान नाजिल किया है वही कुरान हमारे पास में मौजूद है। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को कुरान करीम के फजाइल व फवाइद, ये इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आखिरी इसके मामले में गुफ्तगू रहेगी, उसके बाद से हम तावुज और तस्मिया पर गुफ्तगू करेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ इंशाअल्लाह कुरान करीम की तफसीर का जो दर्स है इंशाअल्लाह उसका आगाज होगा। आइंदा इतवार को याद रखें, आइंदा इतवार में समझता हूँ शायद 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम उलहराम है, और 10 मुहर्रम होने की वजह से आइंदा इतवार दर्स तफसीर कुरान मजीद की महफिल तो ना होगी, मगर इंशाअल्लाह ठीक बाद नमाज जोहर से असर तक इसी मस्जिद में एक प्रोग्राम रहेगा शहादत इमाम हुसैन के हवाले से, वाकियात करबला के हवाले से, फजाइल अहले बैत के अथार के हवाले से। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार इसी मस्जिद में बाद नमाज जोहर प्रोग्राम भी रहेगा, और बाद नमाज असर से मगरिब तक इंशाअल्लाह तस्बीहात वगैरह, इस्तग़फ़ार वगैरह जो कुछ हमें पढ़ना है हम कर लेंगे, और मगरिब के वक्त में बहुत सारे लोग रोज़ा रहते हैं, इंशाअल्लाह इफ्तार का भी एहतमाम रहेगा, इफ्तार के बाद में तनावुल ताम का भी एहतमाम रहेगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि आइंदा इतवार आप तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद वाले इतवार फ़ज़ाइल कुरान पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरस तफसीर कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुकम्मल हुई है। दरस हदीस के हवाले से मैंने गुज़िश्ता एक हदीस मुबारका पढ़ी थी, और उसमें से जो तीसरी बात थी, मैं हदीस फिर से पढ़ देता हूँ ताकि बरकतें हासिल हो जाएं, अल्लाह की रहमतें मिल जाएं, और हुजूर के फरमान को पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए, हुजूर के फरमान को आप हजरात को सुनने का शर्फ हासिल हो जाए,
क्योंकि नबी ने जो अल्फाज अदा किए हैं वो अल्फाज अगर हम भी अदा करेंगे तो हो सकता है हमारे दिल, हमारे कुलूब और हमारे अजहान इससे साफ हो जाए इंशाअल्लाह। अन अनस रज़ी अल्लाहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये तीन तरह की आदतें होंगी, खसलतें होंगी, वो ईमान की मिठास को पा लेगा। सबसे पहली बात कि अल्लाह और उसके रसूल को वो दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करे। दूसरी बात, उसे जिससे भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और तीसरी बात, कुफ्र से नजात पाने के बाद, ईमान हासिल करने के बाद दोबारा कुफ्र की तरफ जाने को इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करे। दो बातों के हवाले से मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी, आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तीसरी बात, कुफ्र से नजात पाने के बाद। आप देखें, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक हैं जो पैदाइशी मुसलमान और दूसरे हैं जो कुछ वक्त गुजरने के बाद, यानी पैदा होने के बाद कुछ वक्त गुजरता है तो उनके अच्छे आमाल, अच्छे काम और अच्छी नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उन्हें ईमान की दौलत अता करता है, ईमान से उन्हें सरफराज करता है और ये सरफराजी फजल खुदावंदी से होती है। अल्लाह का फजल होता है कि वो अपनी नीयत को, अपने वजूद को, अपने मिजाज को तब्दील करने की कोशिश करता है और दीन के हवाले से अपने दिल के अंदर वो बहुत ज़्यादा नरमी रखता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स को इस्लाम की दौलत अता करता है, इस्लाम से उसे मालामाल करता है। अब जो बंदा कुफ्र से, हालत कुफ्र से ईमान की तरफ आए, तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो वापस कुफ्र की तरफ लौटने को ऐसे ही नापसंद करे जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता है। इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आग से डरता है, सबसे ज्यादा आग से डरता है। वजह क्या है? वजह यह, क्योंकि अगर यहां अगर आग से ज्यादा भी किसी और चीज का खौफ होता तो हुजूर उसका जिक्र फरमा देते, मगर आग का जिक्र फरमाने की वजह यह है कि सबसे ज्यादा आग से डरता है। इसकी वजह यह है कि आग में अगर कोई जल जाए तो उसका उसका चेहरा, उसका वजूद तब्दील हो जाता है, जिस्म में दाग धब्बे आ जाते हैं, वो एक ऐबदार बन जाता है और उसकी कैफियत यह होती है कि वह बंदा अपने आप को ऐबदार तसव्वुर करना शुरू करता है। फिर जब आग में चला जाए अब तुम कुफ्र की तरफ जाने का इरादा ना करो, अब कुफ्र को कबूल करने का इरादा ना करो, क्योंकि कुफ्र की तरफ जाना ईमान लाने के बाद में यह बहुत बड़ी तबाही है, यह बहुत बड़ी बर्बादी है। और अल्लाह तबारक तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, वमन यबतगी गैर इस्लामी दीनन फलन युक्बला मिन, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को कबूल नहीं फरमाता। वह वफिल आखिरत ही मिनल खासिरीन, और वह बंदा आखिरत में खसारा उठाने वालों में होता है। और ये हदीस पाक को अगर हम मुसलमानों पर पेश करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो मुसलमान जो ईमान की हालत में जिंदगी गुजार रहा है और अगर वो कुफ्र की तरफ लौटना चाहता है,
यानी कुफ्र की बातों को पसंद करता है, कुफ्र के काफिरों के आमाल को पसंद करता है, उनके त्योहारों को पसंद करता है, उनकी ईद को पसंद करता है। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रंग खेला करते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आतिशबाजी किया करते हैं। ये हमारे त्योहार नहीं है, ये काफिरों के त्योहार हैं, ये मुशरिकों के त्योहार हैं, हमारा इससे ताल्लुक नहीं, ये उनका अपना मजहबी मामला है। हम इस मामले में हम उन्हें बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमें काफिरों से बुग्ज़ नहीं है, उनके कुफ्र से परेशानी है। हम काफिरों को बुरा नहीं कहते, उनके कुफ्र को बुरा कहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ईमान वालों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके आमाल को पसंद करके, उनके आमाल को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उसे अपनाते भी हैं और अपने घरों में उन तमाम चीजों का रिवाज भी देते हैं। शादी ब्याह के मामले में ले लीजिए, ये घोड़े जोड़े की रकम, ये साचक मेहंदी की रस्में, और इसके अलावा दीगर जो जूते छुपाने की रस्में, और फिर ये जोर जबरदस्ती करके जहेज लेना, ये तमाम चीजें इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि जो काम मुस्तफा ने नहीं किया तुम कर रहे हो माजल्ला, जिसका हुक्म और जिसका कोई हवाला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता ही नहीं है, उसके तकाजे आज मुसलमान करता नजर आता है, और फिर अपने आप के लिए बहुत बड़ा इस्लाम का बहुत ज्यादा बोलबाला करता है, नहीं हमारा निकाह होगा तो मस्जिद ही में होगा, हम निकाह मस्जिद ही में करेंगे, गोया अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान जाहिर करना चाहता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब तक बेजा रसूमात हमारे अंदर से नहीं निकलेंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि इन रसूमात से लगाओ इतना बढ़ता चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान हमसे खारिज भी हो जाए और हमें पता तक ना चले कि हमारे साथ में क्या हो गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ईमान रहता है तब भी पता नहीं चलता, हाँ तब उस वक्त पता चलता है जब हमारा ईमान मजबूत रहे, तब हमें पता रहता है कि हमारा अल्लाह से रिश्ते बंदगी मजबूत है, नमाजों की पाबंदी हमसे हो रही है, मुस्तफा की इत्तबा हमसे हो रही है, ये हमारे मजबूत ईमान होने की दलीलें हैं। और अगर ये चीज नहीं होती, अजा हो रही है मस्जिद में, एक आदमी आया मस्जिद के तहारत खाने इस्तेमाल किए, पेशाब किया, निकल गया, चला गया, और यहां मोजिन साहब अजा दे रहे हैं, अजा दे चुके, बहुत सारे लोग देखते हैं अभी नमाज को 15 मिनट बाकी है, भागते हुए दुकानों से आते हैं, मस्जिद में तहारत की और भाग गए, जैसा इन्हें जकड़ और पकड़ कर रख लिया जाएगा। यह कैफियत तो मुसलमानों की है, डरते हैं, बहुत सारे लोग नमाजों के वक्त में मस्जिद में आने से डरते हैं, और बहुत सारे आ जाते हैं, फौरी अपना काम किया, हाथ धोए और भाग गए, डरते हैं अल्लाह के घर में आने से, माज अल्लाह कोई माबूदा ने बातिल की परस्तिश करने आ रहे हो, या कोई गलत मकाम है, कोई शैतानी और कोई पुरइसरार मकाम ही है। अस्तग़फिरुल्लाह, आज ये कैफियत मुसलमानों की हो चुकी है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये आमाल हमें काफिर बना दें और हमें पता तक ना चले। लिहाजा ऐसे हरकात से बचो जिसकी वजह से तबाही और बर्बादी हो, और ऐसे आमाल करो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब नसीब हो। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा, आइंदा इतवार तो खैर मैंने बता दिया, प्रोग्राम इंशाअल्लाह फजाइल अहले बैत अथार के हवाले से होगा, उसके बाद वाले इतवार इंशाअल्लाह दूसरी हदीस पाक, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के हवाले से यह हदीस पाक है, अल्लाह की इताअत के हवाले से है, इंशाअल्लाह इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर वक्त के लिए मसाइल फिका बयान की जाएंगे, आप हज़रात समाअत फरमाएं।